Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. नमस्कार दोस्तों, तो जिस वीडियो का सभी लोग इंतजार कर रहे थे वो वीडियो फाइनली YouTube पे आ चुका है। जी हाँ, KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर अभी लॉन्च हो चुका है और ट्रेलर लॉन्च होते ही उसके व्यूज, क्योंकि इस मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा था। कहा जा रहा था कि RRR और KGF चैप्टर 2 के बीच में टक्कर हो सकती है, KGF चैप्टर 2 ज्यादा ऊपर जाती है या फिर RRR ऊपर जाते हैं। खैर, इस टाइम बात करेंगे KGF चैप्टर 2 की। तो जी हाँ, KGF चैप्टर 2 में यश का स्टारडम अभी भी एज इट इज वही है जो KGF चैप्टर 1 में था। ट्रेलर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्रीन प्ले पे कितना काम किया गया है, एक कास्टिंग को बारीकी के साथ लिया गया है। संजय दत्त कहीं ना कहीं अपने किरदार में पूरे डूबे हुए नजर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी को मैं दूंगा A+ grade। जी हाँ, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई फेलियर नजर आता है। KGF की एक धुन है अपनी, वो KGF की धुन अभी भी बरकरार है और उस KGF की धुन को और एडवांस लेवल पे लेके जाया गया है। तो वो म्यूजिक पे भी कहीं ना कहीं बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। तो बात करें अगर KGF 1 की, तो KGF 1 ने हिंदी डब वर्जन में 44 करोड़ का बिजनेस किया था। अब आप कहेंगे कि 44 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि 44 करोड़ को अगर आप अलग फैक्टर्स में काउंट करोगे, जैसे कि कोई बाहुबली जैसे कोई बहुत सेलिंग पॉइंट शॉट्स नहीं थे इसमें, ये दमदार एक्टिंग, दमदार स्टोरी और दमदार स्क्रीन प्ले के दम पे अपने KGF लेने। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। KGF 2 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे कि KGF 2 का इतना वेट क्यों हो रहा है। तो KGF 2 का वेट मैं कहूंगा सबसे बड़ा रीजन है, जो वो रीजन है डिले। जी हाँ, डिले। 2018 से 2021 तक लोगों को इतना टाइम मिला लॉकडाउन के दौरान कि उन्होंने KGF पार्ट 1 को देखा, और जो थिएटर वाली ऑडियंस नहीं थी उन्होंने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा और कहीं ना कहीं KGF से वो कनेक्ट हो गए। और KGF से कनेक्ट होने के बाद उनको वेट है अब कि हाँ, KGF 2 कब आएगी, कैसी होगी, रॉकी भाई का अंदाज कैसा नया हो। तो KGF 2 है जो वो अपने आप में बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। क्यों? क्योंकि KGF 1 में जो KGF पे राज कर रहा था उसको अपने हीरो, जो इकलौता हीरो है अपना, छुपके घुसके मारा था। तो KGF 2 में अब जब उसके पास KGF आ चुका है तो उसके सामने जो दुश्मन आएंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चुप छुपा के मारने वाले नहीं होंगे, वो खतरनाक मारने वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरन से आने वाला है इनायत अली, अधीरा। और अगर मैं ट्रेलर में देखूं तो जितना पावर अधीरा का दिखता है, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो रॉकी के बिल्कुल बगा बराबर का होगा। तो रॉकी और अधीरा की जो फाइटिंग है शायद वो देखने को मिल सकती है इस मूवी में। तो कहीं ना कहीं KGF 2 के अंदर हमें बैटल नहीं, एक बहुत भयंकर वॉर देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं KGF 2 के लिए पूरा बेस है, जो सेटअप है, अब बस कहानी को देखना है कि आगे क्या क्या होने वाला। और एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग चीज मुझे ये लगी, स्टोरी का नैरेटर है वो कहीं ना कहीं बोलता है कि अधीरा का जो है, अधीरा तो मर चुका है लेकिन वो जिंदा कैसे होगा। और ऐसा तो नहीं कि वो सस्पेंस बनाने के लिए काट रहा होगा हमारा, वो बोल रहा होगा अधीरा आ भी सकता है। मैं तारीफ करना चाहूंगा मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की, क्योंकि प्रशांत नील ने इतने अच्छे तरीके से डायरेक्शन किया है इस मूवी का कि आप स्टोरी में बन जाएंगे, आप स्टोरी में खो ही जाएंगे बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, रॉकी भाई मैं आप ट्रेलर देख के तो ये लगता है कि उन्होंने एक्शन को काफी इम्प्रोवाइज किया है और इस बार हमें एक्शन में वो कमियां देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि रॉकी भाई का जो कैरेक्टर है, रॉकी भाई का कैरेक्टर लगता है उनको देख के लगता है कि हाँ, ये बंदा किसी को फोड़ सकता है, ये बंदा किसी को मार सकता है, क्योंकि इतना गेटअप है, ये बॉडी पर्सनैलिटी सब कुछ। तो मुझे लगता है KGF 2 में सबसे बड़ा चैलेंज जो होने वाला है वो होने वाला है रॉकी भाई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रॉकी भाई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखते हैं कि जीतता कौन है। ट्रेलर देख के ऐसा जरूर लगता है कि KGF चैप्टर 2 कहीं ना कहीं 100 करोड़ के बिजनेस को तो इजिली क्रॉस कर देगी, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ना बन जाए इस बार की। तो मेरे अकॉर्डिंग 4.5 out of 5 दूंगा, 0.5 इसलिए काटूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी एक्शन में थोड़ा सा डाउट है कि ये क्या, ये एक्शन की क्विक एडिटिंग पहली बार की तरह हुई होगी या इस बार कुछ नया होगा। अगर आपको ये मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आगे जरूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके भी चले जाएं। आगे फिर मिलेंगे अलग अलग तरह की नई वीडियोज में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बहुगुणा जी ब्लॉग्स।